दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक हैवी साइज पैंट कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों सिंपल वर्ड सिंपल तरीका, मैं आपको 1% का भी पैंट की कटिंग में उलझाऊंगा नहीं दोस्तों, सिंपल बताऊंगा आपको। तो दोस्तों अब अपने इसका मार्किंग वगैरह करेंगे। मार्किंग करने से पहले आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए दोस्तों, 40 इंच इस पैंट की कमर है, ठीक है दोस्तों, 39 इंच इसकी लेंथ है और दोस्तों 45 इंच इसकी हिप है और दोस्तों 29 इंच इसकी थाई है, 16.5 इंच इसकी बॉटम है और दोस्तों इसका हमने गिदरी का मेजरमेंट लिया हुआ है तो दोस्तों वह है 28.5, ठीक है दोस्तों। अब इसका मेजरमेंट लिया हुआ है, अब कैसे मार्किंग करनी है वो सब कुछ बताएंगे दोस्तों, आगे आपको इसकी फिटिंग भी दिखाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले एक मार्क करना है कपड़े को सीधा करने का ऊपर। अब दोस्तों अपने लेंथ का मार्क करेंगे पैंट में, तो दोस्तों 1 इंच ऊपर बेल्ट के लिए निकालना है, इसके बाद में 39 इंच लेंथ है, 39 इंच लेंथ पे मार्क करेंगे और बॉटम फोल्ड के लिए नीचे 3 इंच रखेंगे। अब दोस्तों 28.5 इसमें गिदरी है अपनी, तो 28.5 पे यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, सिंपली 28.5 पे मार्क किया। यहां से देखिए दोस्तों 9.5 इंच की लटक है, इतना बड़ा साइज 9.5 इंच की लटक। आगे मैं आपको इसकी फिटिंग भी दिखाऊंगा, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो अब दोस्तों इस मार्के को अपने यहां पे सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहां पे इन मार्कों को भी सीधा करना है आपको इस तरीके से दोस्तों। इनको सीधा करने के बाद में यहां पे अपने किनार को निकालने का एक मार्क करना है इस तरीके से। अब दोस्तों 29 इंच इसमें थाई है, 29 का हाफ होता है दोस्तों 14.5 इंच, तो 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोस्तों यहाँ पे 1.5 इंच पीछे करते हुए एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसको चेक करेंगे कि ये कितना बचा है बाकी, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये 13 इंच बचा है, यहाँ पे 13 इंच पे रखेंगे और यहाँ पे आपको सिंपली 0.5 इंच पीछे करना है, क्योंकि दोस्तों जो हैवी साइज रहते हैं इसको बिल्कुल सीधा नहीं यहाँ पे करते, उससे 0.5 इंच पीछे करके सीधा करते हैं, जिससे कि ये सामना एकदम साफ हो जाता है रेडी, ठीक है दोस्तों। आगे मैं आपको इसी की फिटिंग दिखाऊंगा, तो उसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे ये सब हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से आपको ये राउंड कर लेना है। अब दोस्तों इसमें 40 इंच कमर है अपनी, 40 इंच कमर है, 40 का 1/4 होता है दोस्तों 10 इंच और 1 इंच मार्जिन रहता है, यानी कि 11 इंच पे अपने ये मार्क करना है। इसके आगे जो बचा है ये दोस्तों 1.5 इंच बचा है, ये प्लेट के लिए है। अब दोस्तों प्लेट कैसे लगेगी इसमें, यहाँ पे ये 14.5 का हाफ होगा इस तरीके से और इसको अब यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए सीधा करेंगे, यहाँ पे इसकी फर्स्ट प्लेट आएगी, ये दोस्तों 1 इंच की रहेगी, तो यहाँ पे 1 इंच इसमें मार्जिन कवर कर दिया, 0.5 इंच बचा है, यहाँ पे 1/2 इंच पे दूसरी 0.5 इंच की प्लेट डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मार्जिन पूरा कंप्लीट हो गया है, जो प्लेट आएगी उसका, यानी कि जो एक्स्ट्रा बचा है वो इसमें कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों अपने क्या करना है बॉटम साइड में, दोस्तों यहां पे आपको सिंपली 2.5 इंच पे मार्क करना है और 16.5 इंच है इसकी बॉटम, तो 8 इंच और 2 सूत पे मार्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये यहां पे 16.5 तैयार होगा। अब दोस्तों शेप फट्टी को इस तरीके से, दोस्तों ये साइड से आपको शेप नहीं लेनी है, इस साइड से आपको ये शेप लेनी है इस तरीके से, और यहां पे ऐसे क्रॉस करना है ताकि जब बॉटम फोल्ड करें तो आसानी के साथ हो पाए। अब दोस्तों इसको यहाँ पे इस तरीके से शेफट्टी लगा लेना है, यानी कि इसका जो ये अंदर की साइड है इस साइड की शेफट्टी नहीं लगानी है हैवी साइज में, और आपको ये बाहर की साइड की शेफट्टी लगानी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर अंदर की लगाओगे शेफट्टी तो आपकी जो फिटिंग होगी वो सही नहीं रहेगी। अब दोस्तों हैवी साइज की पेंट है, यहाँ पे अपने 1 इंच डाउन करेंगे इसको और यहाँ पे इसको इस तरीके से मिलाकर
ऐसे इस मार्के को कर लेंगे। इसमें दोस्तों क्रॉस पॉकेट है, क्रॉस पॉकेट के लिए अपने यहां पे 2.25 इंच का मार्क करेंगे और 8 इंच से डाउन करेंगे। इस तरीके से ठीक है दोस्तों, ये मार्के हो चुके हैं पूरे फ्रंट पीस के। अब आगे आपको बैक पीस का मार्के करके और कटिंग करना भी बताएंगे। यहां पे अब मैं फ्रंट की कटिंग कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे फ्रंट कट चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे ये नोचेस लगाने हैं कि यहाँ पे इसको नीचे फोल्ड करना है, यहाँ पे इसकी फर्स्ट डट है यानी कि जो प्लेट है। यहाँ पे क्रॉस पॉकेट का ठीक है दोस्तों, फ्रंट पूरा रेडी कट हो चुका है। अब अपने बैक पीस की कटिंग करेंगे। कैसे करनी है अब इस पीस को देखिएगा, समझिएगा। इस पीस को ऐसे इस तरीके से आपको बिछाना है दोस्तों। 29 इंच 30 इंच थाई तक आप ऐसे कट कर सकते हो आसानी के साथ, कोई जोड़ नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा आपकी पैंट में अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए पैंट की कटिंग करोगे तो। दोस्तों हैवी साइज की पैंट है, यहां पे आपको सिंपली 2.5 इंच उठाना है ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और दोस्तों अब इसको यहां पे इस तरीके से सीधा करना है और एक इससे नीचे 1/2 इंच। और दोस्तों बॉटम साइड में इन्हीं को सीधा करेंगे। यहां पे दोस्तों आपको सिंपली 1.5 इंच रखना है। दोस्तों हैवी साइज की पैंट है, यहां पे आपको 2.5 इंच रखना है। अगर दोस्तों आपको 30 इंच की लूजिंग में पैंट कट करनी हो तो आप ये मार्जिन भी इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि 30 इंच तक आप आसानी के साथ पैंट की कटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे 6 फट्टी को ऐसे रखते हुए इस तरीके से ये मार्क को पूरा करना है ठीक है दोस्तों। अब यहां पे इस तरीके से 6 फट्टी को रखना है और इस मार्के को यहां पे इसके बिल्कुल बराबर मिलाना है। और 1/2 इंच का ये मार्जिन छोड़ लिया मैंने। अब 40 का 1/4 होता है दोस्तों 10 इंच, और 1 इंच जो बैग में प्लेट डलेगी उसके लिए ठीक है दोस्तों। यहां पे ये मार्क कर लिया। इसके आगे सीट की जुड़ाई के लिए आपको अलग से 2 इंच रखना है। अब दोस्तों इसकी हिप्स है 45 इंच की, आपको यहां पे इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहां पे इस तरीके से, यानी कि मार्जिन इधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, यहां पे 44, यहां पे 45 ठीक है दोस्तों। और यहां पे इसके आगे आपको 1.5 इंच लूजिंग छोड़ना जरूरी है ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और 1.5 इंच लूजिंग छोड़ने के बाद में इसको यहां पे ऐसे मिलाना है और इस पे कटिंग होगी। अब इसका राउंड इस तरीके से होगा। इस पे ही दोस्तों सिलाई आएगी। अगर इस पे सिलाई आ गई आपकी तो पैंट की फिटिंग एकदम बेस्ट होने वाली है ठीक है दोस्तों। ये अब पूरी कंप्लीट मार्किंग हो गई है। तो चलिए अब मैं दोस्तों इसकी कटिंग कर लेता हूं, आगे मैं दोस्तों इसकी फिटिंग भी दिखाऊंगा आपको। यहां पे दोस्तों इतनी दूरी तक मैंने एक्स्ट्रा जमा कर दिया 1/2 इंच का, ताकि लूज करना हो तो इस कपड़े का भी यूज कर पाए। तो दोस्तों यहां पे अपनी पैंट पूरी कंप्लीट कट हो चुकी है। दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल वर्डों में आपको बताया है कि पैंट की कटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इससे भी बड़ा हैवी साइज हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कटिंग करना। अगर दोस्तों आपको किसी मेजरमेंट पे कटिंग जानना हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों हमारे पास कोई उलझाने वाला मेथड नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सरल कटिंग है,
सबके साथ मतलब सब जगह पे ये कटिंग चल सकती है, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी की कटिंग में प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सनली मेरे से जानकारी ले सकता है। और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।